नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर की विशेष विंग ने शुक्रवार को सुबह बाड़मेर जिले के गुड़ा मालानी में उपखंड अधिकारी सुनील कुमार कटेवा व उसके चालक दुर्गाराम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि जमीन विवाद में स्टे देने की एवज में एक वकील से यह राशि ली गई थी। अपने कार्यालय में रिश्वत की राशि लेकर एसडीएम ने उसे ड्राइवर को थमा दी। तब एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में जोधपुर से गई स्पेशल टीम ने उन्हें दबोच लिया। बजट पूरे साल भर में होने वाली आय और व्यय का प्रारंभिक अनुमान लगाकर तैयार किया जाता है। इसमें उन मदों को शामिल किया जाता है जिनसे आय होनी है अथवा खर्च किया जाना है। बीकानेर नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित बजट में भी कई मदों में आय होने और खर्च होने का अनुमान लगाकर उस राशि का प्रावधान रखा गया, लेकिन वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2020 तक कई मदों में न आय हुई और न ही निगम की ओर से राशि व्यय की गई। देश के दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले जोधपुर जिले के खेजरला गांव के सिपाही लक्ष्मण राम को आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुखाग्नि उसके छोटे भाई सुनील और परिवारजनों ने दी। इससे पहले उनकी पार्थिव देह आज सुबह उनके एक पैतृक गांव पहुंची। तिरंगे में लिपट कर आए अपने लाडले को अंतिम विदाई देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। बीकानेर जिले की श्री डूंगरगढ़, नोखा और देशनोक नगर पालिका के 7 फरवरी को होने वाले अध्यक्ष पद चुनाव से पहले कुछ पार्षद बाड़े बंदी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं कुछ पार्षद परेशान भी हो रहे हैं। दरअसल इन पार्षदों को अब पालिका की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मुक्त किया जाएगा। फिलहाल बीकानेर की 3 पालिकाओं के 110 पार्षद अपने घर होने के बजाय इधर उधर घूम रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में अग्रिम पंक्ति में रहकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले नगर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों का शुक्रवार को वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत दोनों निगम आयुक्त रोहिताश्वर तोमर एवं डॉक्टर अमित कुमार यादव ने वैक्सीन लगवाकर की। इसके बाद अलग अलग चरणों में वैक्सीनेशन कार्य को पूरा किया गया। बीकानेर के महाजन में होने वाले भारत और अमेरिका की सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास में न सिर्फ अमेरिका की कई तरह की सैन्य शक्तियां नजर आएंगी बल्कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर और अन्य वाहन भी नजर आएंगे। रेतीले धोरों के बीच अमेरिकी सेना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के गुर सीखेगी और भारतीय सेना को सिखाएगी भी। काउंटर टेररिज्म पर फोकस इस युद्धाभ्यास में अमेरिका की पहली बटालियन से जुड़े कई अनुभवी सैन्य अधिकारियों की टोली होगी। जोधपुर जिले की मतोड़ा पुलिस ने पड़ासला गांव स्थित मंदिर के ताले तोड़कर चांदी के छत्र व तार चुराने का खुलासा कर एक सुनार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि जालौर जिले में बिरावा गांव निवासी शंकर गिरी गोस्वामी व नागौर जिले में खिमसर निवासी सुनार कैलाश चंद्र सोनी को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में कृषि व्यवसाय अभिपोषण केंद्र की ओर से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण शुरू हुआ। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर अजय शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। शर्मा ने इस दौरान कार्य क्षेत्र का अवलोकन करके शोध कार्यों का भी जायजा लिया। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने अपने आवास पर बालिकाओं व महिलाओं के अपने बाल दान करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बेनीवाल ने इस अवसर पर कहा कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसके लिए घबराने की बजाय जागरूक रहने की आवश्यकता है। कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर जोधपुर नगर निगम आयुक्त दक्षिण डॉक्टर अमित यादव ने प्रताप नगर स्थित मुख्य सफाई निरीक्षक कार्यालय में वार्ड प्रभारियों की बैठक ली। आयुक्त ने मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए कि वह अपने अपने वार्ड प्रभारियों को वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया से अवगत करवाएं। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने अपने कक्ष में पीडब्ल्यूडी के संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर संभाग में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। संभागीय आयुक्त ने राजस्थान संपर्क पर पेंडिंग प्रकरणों को समय पर निस्तारण के भी निर्देश दिए। बीकानेर के हाउसिंग बोर्ड की मुक्ता प्रसाद और पवनपुरी कॉलोनी का नगर निगम में हस्तांतरण होने पर लोगों की उम्मीद थी कि अब विकास की गंगा बहेगी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी दोनों कॉलोनियों के लोग विकास को तरस रहे हैं। नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के बीच एक MOU के तहत मुक्ता प्रसाद में सेक्टर 1 से 17 और पवनपुरी के सेक्टर 5, 6 व 7 2018 में हाउसिंग बोर्ड के निगम को हस्तांतरित किए गए थे। दोनों कॉलोनियों में सड़क, पार्क, नाला, पेयजल और रोड लाइट आदि की हालत बहुत खराब है। तंबाकू एवं जंक फूड से होने वाली हानियों से अवगत कराने के लिए मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर में जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है।
राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत मनाए जा रहे इस जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित हुए एक व्याख्यान कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव मोहम्मद अमीन ने कहा कि तंबाकू एवं जंक फूड का उपयोग युवाओं को क्षण भर के लिए खुशी तो दे सकता है, लेकिन भविष्य के लिए ये बड़ा घातक हो सकता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन में सेंधमारी कर 2 महीने से की जा रही क्रूड ऑयल की चोरी के मामले में मिलीभगत के आरोप में पाली जिले के बगड़ी नगर थानेदार गोपाल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी की टीम ने यह गिरफ्तारी की। मामले में यह 14वीं गिरफ्तारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।